हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चंडीगढ़ एंटिटी का जो कल गए थे डीवी के लिए, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज इन्फॉर्मेशन आप लोग पूछ रहे थे कि जो गए थे क्या उनसे कुछ पता चला। तो मेरी कुछ स्टूडेंट और कुछ जो कैंडिडेट्स जो गए थे एंटिटी के लिए डीवी के लिए, वहां से पूछने पर कुछ जो न्यूज इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोग बहुत लोग पूछ भी रहे थे और ये सारी चीजें, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज, हम इस वीडियो में किसके बाद किससे रिलेटेड बात करेंगे? चंडीगढ़ एंटिटी। तो इनका क्या था कि कल का डेट मिली थी इनको, ठीक है, 09/10/24 इनको डेट मिली थी। किसके लिए? डीवी के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको डेट मिली थी। तो कल कुछ कैंडिडेट्स गए थे तो एंटिटी वालों को बुलाया गया था कि आइए आप लोग अपना डीवी करा लीजिए। तो डीवी के लिए ये लोग गए थे, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट गए थे और कई लोगों को वहां से बाहर भी किया गया। वही मेन रीजन है कि जो जिनके पास एनसीटी का सर्टिफिकेट नहीं था, एनसीटीई का जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इनको बाहर किया गया। और वही बताएं तो लगभग कल 27 से 28 कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं, 27 से 28 कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि इस बार भी सीट नहीं फुलफिल हो पाएगी, क्योंकि टोटल वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल हैं 100 है एंटिटी की। और अभी मुझे जहां तक लगता है कि करीबन मुझे लगता है 80% जो सीट है वो फुलफिल हो पाई है। ठीक, एक मोटा मोटा आंकड़ा करूं, जो मेरा अंदाजा है लगभग 80% ही सीट जो है वो फुलफिल हो पाई है। अब बचे हुए जो भी 15 से 20% सीट है, क्या उस पर डिपार्टमेंट और लिस्ट निकालेगी या और कैंडिडेट्स को जो लोअर कट ऑफ करेगी कि आइए आप लोग भी डीवी करा लीजिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊं कि जो कैंडिडेट्स कल गए थे जिन्होंने अपनी डीवी कराई, वो बता रहे थे कि एक लिस्ट और आएगी। देखिए, हाँ जरूर एक लिस्ट अभी और आएगी। कब आएगी? वो 15 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेगी। और जो भी अब आपका नोटिफिकेशन जो आएगा, लगभग ये 15 तारीख के बाद ही आएगा, देखने को आपको मिलेगा। और ये 16 तारीख को एक लिस्ट और जारी करेंगे, उसमें इनका रिमार्क होगा। और हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को और बुलाएं, जो एबसेंटीज जो एबसेंट रहे इस दिन, और उनको भी बुलाएं। तो एक लिस्ट हो सकता है और आए अभी एंटिटी की। और एंटिटी ही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेगा, क्योंकि जहां तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि एंटिटी और जेबीटी की जो ज्वाइनिंग होगी वो एक साथ होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि एंटिटी और जेबीटी की जो ज्वाइनिंग होगी वो एक साथ होगी। और एक चीज और बताऊं आपको कि जेबीटी वाले जो सबसे ज्यादा लंबा इंतजार कर रहे हैं, जो जेबीटी वाले हैं, जेबीटी के लिए आपको बता दूं, जेबीटी वाले आप अक्टूबर लास्ट तक वेट करिए। हो सकता है आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। अक्टूबर लास्ट तक आपका हो सकता है रिजल्ट देखने को मिल जाए। और इसी के साथ ये भी कहूं कि कुछ कैंडिडेट्स ने, मैंने खुद भी कहा था कि आप लोग पूछिएगा वहां पे ज्वाइनिंग को लेके कि आप कब तक ज्वाइनिंग है, तो वहां पर भी कैंडिडेट जो भी कमेटी थी, सभी कमेटी ने यही बोला कि आपको नवंबर तक ज्वाइनिंग देंगे, फर्स्ट वीक तक आपको ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, ज्वाइनिंग की प्रोसेस सीधा स्टार्ट नहीं हो जाती। जब भी कोई भी ऑफर लेटर या आपका जो लेटर आता है, ऑफर लेटर आता है, वो जब आप ज्वाइनिंग जिस दिन ज्वाइनिंग करनी होती है उससे कम से कम 10 दिन का टाइम जरूर मिलता है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग के लिए, आपकी ज्वाइनिंग के लिए, अगर ये ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं, तो इनको कम से कम जेबीटी का जो ऑफर लेटर है इनको देना पड़ेगा अक्टूबर लास्ट जो वीक है उसमें देना पड़ेगा, ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग बात माने तो। अगर ये कह रहे हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, तो इनको अक्टूबर लास्ट वीक तक इनको देना पड़ेगा, क्या इनको देना पड़ेगा ऑफर लेटर। अब बात करें तो अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि ये कह रहे थे कि जो रोजगार मेला है उसके तहत हो सकता है आपका जो ऑफर लेटर है या मतलब जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो दिए जाएं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, जनरली ऐसा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्लाईज जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये जनरली अब एक काम करता है स्टेट, इसके तहत ये शो करता है कि हाँ मैंने इतनी वैकेंसीज क्या है फुलफिल की। तो एक माध्यम है एम्प्लॉयमेंट को
शो करने का, बस इतना ही समझ लीजिए। तो रोजगार मेला का तो अभी तो कुछ सता पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये काम कर रहा है डिपार्टमेंट, मुझे भी उम्मीद लगती है कि आपका अक्टूबर लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसका? जेबीटी और एंटिटी का। सबसे पहले जो प्रेफरेंस है, मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस है जेबीटी और एंटिटी, क्योंकि और इसके बाद आपको 1 नवंबर तक धीरे धीरे सबके प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग की स्टार्ट हो जाएगी। सबकी ज्वाइनिंग होगी लगभग, आगे पीछे थोड़ी सी आगे पीछे चीजों को ले गई है जरूर, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी नवंबर में ही होगी। मैंने पहले भी कहा था इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, मतलब कह सकते हैं आप वो मेरे शुभचिंतक हैं। कभी कभी वही मैंने कई बार देखा है, नोटिस भी किया है कि वो कमेंट जो कमेंट करते हैं, पहले तो नेगेटिव कमेंट करते हैं, फिर बाद में ही वही आके क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब सही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंदा मेरे लिए खुद गलत कॉन्सेप्ट बना के रखा था माइंड में, वही आके फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि ये कब होगा वो कब होगा। तो अपने आप को थोड़ा सा सही है, हर इंसान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें सोचता है आपके जरिए में। बाकी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो दूँ ऐसी। ये सब कोशिश से बड़ी चैनल कभी नहीं करते हैं, आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे चैनल ही देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों ने बिल्कुल सभी लोगों ने जानना चाहा होगा कि जो एंटिटी वाले गए थे क्या उनसे कुछ पता चला, क्योंकि अभी कुछ लोग ग्रुप में भी कर रहे हैं कि जाने की वहाँ बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट कि वहाँ पे जाएंगे और पूछेंगे, मतलब कई लोगों के साथ जाएंगे वहाँ पे, प्रेशर डालेंगे डिपार्टमेंट के ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कल गए थे एंटिटी वाले, तो मैंने उनसे ही कह दिया था कि आप लोग पूछिएगा, वो आपके लिए ही मैंने पूछा था, मैंने कहा कि आपके लिए, तो वहाँ पे भी यही कई बच्चों के द्वारा बोला गया, मेरी कम से कम 6-7 बच्चों के द्वारा, 5-6 बच्चों के द्वारा बात हुई मेरी, तो उन्होंने भी यही कहा कि सर पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने यही कहा कि अभी एंटिटी की एक लिस्ट और आएगी और उसके बाद नवंबर तक हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, यही बोला गया है। और यही पेपर में भी निकला जो उस दिन मीटिंग में बात हुई है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें देता हूँ, उसका प्रूफ भी मेरे पास है, आपने भी देखा होगा, तो मैं हवा में बात नहीं करता, जो भी बातें करता हूँ बहुत ऑथेंटिक चीजें मेरे पास आती हैं, मेरे पास न्यूज रहती है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है, तभी आपसे शेयर करता हूँ। और मुझे भी पता है कि मेरी बातें क्या आपके इमोशंस, आपके मेंटल प्रोसेस, मेंटल स्ट्रेस को कैसे अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए मैं भी कुछ जो भी बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कई चंडीगढ़ का तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं मेरे, और सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं, तो इसलिए मुझे भी पता है कि एक एस्पिरेंट्स होने के नाते कि कौन सी बात मेरी किसको ठोस पहुंचाएगी या ठेस पहुंचाएगी, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, हां सही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देता हूं। डिले होता है तो डिले होता है, इस टाइम पे आना है तो आता है, सारी चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद जय भारत, और कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। 15 तारीख के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और एंटिटी की अभी एक और आएगी। बाकी कोर्ट केसेस, हाँ आप कोर्ट केसेस की भी बात कर रहे थे कि जो अभी टीजीटी पे हुआ था एक क्वेश्चन को गलत हुआ था, ठीक है, आई थिंक पंजाबी का कोई क्वेश्चन था, वो भी गलत था, उसको लेके ये था जो केस हुआ था टीजीटी पे, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दे दिया है। जनरली ऐसा होता है, एक रूल मतलब ऐसा होता है जनरली, मैंने कई भी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज में देखा मैंने, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है उसमें, कि अगर ऑब्जेक्शन की डेट इन्होंने दे दी, जैसे मान लीजिए आंसर की आई और इन्होंने ऑब्जेक्शन डेट दे दी कि ये ऑब्जेक्शन डेट है, आप इसके इस दिन के बीच में, मतलब जितने भी डेट्स हैं इसके बीच में आप अपने ऑब्जेक्शंस क्वेश्चन पे रेज करिए और हम उसको देखेंगे, उसको सीन करेंगे, अच्छे से उस पर सर्च करेंगे, उसके बाद हम फाइनल आंसर की देते हैं। तो जनरली जो कोर्ट है, मतलब डिपार्टमेंट है, ये ऐसा रिप्लाई देता है कि भैया हमने ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था और आपके ऑब्जेक्शन को भी लिया, आप उस टाइम कहाँ थे जो अब आप क्वेश्चंस को गलत कह रहे हो, पहली चीज तो जनरली ऐसा ही होता है। तो डिपार्टमेंट अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया इस क्वेश्चन के लिए, यही कि हमने ऑब्जेक्शन का समय दिया था इनको प्रॉपर, तभी इनको देखना था और फाइनल आंसर की उसके बाद हम लोगों ने जारी की, जो इनको पहले ही देना था, जो टाइम हमने दिया था इस टाइम में ये कहाँ थे, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। बाकी यही रूल होता है, यही चीज़ें होती हैं, और डिपार्टमेंट ने अपना रिप्लाई दिया है, ये केसेस चलते रहेंगे ऐसे और आपकी ज्वाइनिंग होगी, लास्ट टाइम है, ठीक है, ये लास्ट समय चल रहा है। आप कहते हैं ना किसी चीज़ की अंतिम घड़ी आ गई है, भाई हाँ अंतिम घड़ी है और आएगी, आप देखिएगा, उम्मीद है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी इस बार, नवंबर में ही ज्वाइनिंग होगी। लिख के ले लीजिए आप, लिख के मतलब मत ले लीजिए, हाँ होप है, उम्मीद है कि आपकी नवंबर में ज्वाइनिंग होगी। जय हिंद जय भारत।